भूमि पूजन के 9 माह बाद शुरू होगा नींव का निर्माण। 6 माह के गहन विचार मंथन के बाद तय हुई थी नींव की डिजाइन। नींव की खुदाई और जमीन के समतलीकरण में लगे 2.5 माह। 5 माह में राम मंदिर के नींव का रखा गया है निर्माण का लक्ष्य। रामनगरी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के काज में दिन प्रतिदिन नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन किया था। तब पीएम मोदी ने 9 शिलाओं का पूजन कर 12:44 पर चांदी की कन्नी से मंदिर निर्माण की नींव रखी थी। करीब 6 महीने के गहन मंथन के बाद नींव की डिजाइन फाइनल हुई और 21 जनवरी 2021 से नींव खुदाई की औपचारिक शुरुआत हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिषद की 5 एकड़ भूमि में से 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई शुरू हुई। नींव की खुदाई और जमीन के समतलीकरण में करीब 2.5 महीने लगे। गुरुवार 1 अप्रैल से 40 फीट गहरे विशाल भूखंड की नींव भरने के लिए काम शुरू होगा। नींव भराई के बाद श्री राम मंदिर धीरे धीरे आकार लेने लगेगा। राम मंदिर निर्माण यात्रा की अगली कड़ी में आइए जानते हैं आखिर कैसे भरी जाएगी नींव, किस तरह के मटेरियल का होगा इस्तेमाल और किस तकनीक पर खड़ी होगी दुनिया की सबसे भव्य मंदिर की दीवारें। ये सब जानने के लिए देखते रहें राम मंदिर का निर्माण। नियु निर्माण में इंजीनियर फील्ड मटेरियल का होगा इस्तेमाल। राम मंदिर के लिए नींव खुदाई के काम में सैकड़ों मजदूर और दर्जनों मशीनें लगी थीं। करीब 2.5 महीने की अथक मेहनत के बाद भक्तों का इंतजार खत्म हुआ। 25 मार्च तक गर्भगृह के स्थल सहित पूरे 2.77 एकड़ भूमि में 250 फीट चौड़ी, 400 फीट लंबी और 40 फीट गहरी नींव की खुदाई का काम पूरा हो गया। इसके बाद नींव भराई के लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से 15 मार्च को शुभ मुहूर्त में प्रायश्चित पूजन भी कर लिया गया। नींव का निर्माण परंपरागत शैली से ग्राफ्टिंग सिस्टम के अनुसार होगा। नींव में विशेष प्रकार से तैयार इंजीनियर फील्ड मटेरियल का प्रयोग होगा। परिसर के सीमित क्षेत्र में इंजीनियर फील्ड मटेरियल डालकर इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया जा चुका है। ग्राउंड इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया पूरी। नींव भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा किया गया। नींव के लिए खोदे गए 40 फीट गहरे गड्ढे को रोलर से लेवल में किया गया, खुदाई में निकले कचरे को ठिकाने में लगाया गया और नींव भरने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को एकत्र करने और स्टोर करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। ट्रस्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को ग्राउंड इम्प्रूवमेंट का नाम दिया था। इस बीच नींव की भार सहने की क्षमता आंकी गई और निर्माण सामग्री की टेस्टिंग भी हुई। नींव मंदिर निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। नींव की खुदाई में पूजन और दिशा का ज्ञान बहुत जरूरी है, इसीलिए नींव की खुदाई ईशान कोण से शुरू हुई थी। ईशान कोण के बाद आग्नेय कोण की खुदाई हुई, फिर वावव्य कोण और नैऋत्य कोण की खुदाई के बाद पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के क्रम से दिशा की खुदाई हुई। अब नींव की भराई
नींव की खुदाई के विपरीत क्रम से की जाएगी, यानी सबसे पहले नैऋत्य कोण की भराई, फिर बावक के कोण, आग्नेय और ईशान कोण को भरा जाएगा। इसके बाद दिशाओं में नींव की भराई होगी। दक्षिण दिशा में भराई के बाद पश्चिम, उत्तर और पूर्व के क्रम से भराई का काम होगा। 9 अप्रैल से इस काम में तेजी आएगी और अगस्त माह के अंत तक नींव भराई का काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। 20 mm और 10 mm की गिट्टियां। नींव निर्माण में कबरही बाधा और मध्य प्रदेश के छतरपुर की गिट्टी व स्टोन डस्ट का इस्तेमाल होगा। L&T ने इसके लिए 20 mm और 10 mm की गिट्टियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। रायबरेली की ऊंचा हार NTPC की राख का भी प्रयोग होगा। राम मंदिर की नींव में करीब 4,00,000 घन फुट पत्थरों की आवश्यकता होगी। इंजीनियरों ने इसके लिए मिर्जापुर के लाल पत्थर को चुना है। नींव के पूरे क्षेत्रफल में हार्ड स्टोन को ग्राफ्टिंग सिस्टम से बिछाकर एक एक लेयर तक ऊपर लाया जाएगा। नींव में 200 × 600 × 300 mm के पत्थरों को बिछाया जाएगा। पत्थरों को फिक्स रखने के लिए उनकी कटिंग कर होल फास से जोड़ा जाएगा। पत्थरों को नींव में निर्धारित डिजाइन के अनुसार एक दूसरे से होल फास में सेट कर करीने से बिछा दिया जाएगा। इन्हें तांबे की पत्तियों से आपस में जोड़ा जाएगा। साथ ही सीमेंट और माइक्रो सिल्का से तैयार विशेष प्रकार के मसाले का इस्तेमाल होगा। 40 लेयर में भरी जाएगी राम मंदिर की नींव। 40 फीट गहरी नींव को पारंपरिक शैली में भरा जाएगा। पत्थर, सीमेंट, मोरंग, कोयले की राख और अन्य पदार्थों से तैयार मटेरियल से एक लेवल में एक एक फीट गहरा बेस तैयार होगा। इस तरह के कुल 40 लेयर होंगे। एक एक लेयर भरकर इसे जमीन की सतह तक लाया जाएगा। इसके बाद ऊपरी हिस्से का काम शुरू होगा। नींव की भराई में अल्ट्राटेक सीमेंट का इस्तेमाल होगा, जबकि नींव में फ्लाई एश यानी कोयले की राख लगेगी। गिट्टी BSI मार्का की होगी। नींव में लोहे का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। पत्थरों को तांबे की छड़ों से आपस में जोड़ा जाएगा। इस तरह पुराने जमाने की भवन निर्माण प्रक्रिया से आधुनिकतम मंदिर की नींव रखी जाएगी। यूं तो नींव के निर्माण की प्रतीकात्मक शुरुआत 15 मार्च को ही हो चुकी थी, लेकिन वास्तविक काम 1 अप्रैल से शुरू होगा। डिजाइन के हिसाब से 2.77 एकड़ के क्षेत्रफल में पत्थरों और विशेष प्रकार के मसालों की लेयर बिछाई जाएगी। ट्रस्ट का आकलन है कि नींव की पहली लेयर को ढालने का काम 9 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इंजीनियरों ने जून माह के अंत तक कम से कम 20 लेयर की नींव को भर लेने का लक्ष्य रखा है, ताकि बारिश की शुरुआत होने से पहले गड्ढों को भरा जा सके। इससे जलभराव जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त माह के अंत तक नींव को भरने का काम पूरा हो जाएगा। नींव भरने के बाद दीवारों के निर्माण के काम में तेजी आएगी। राम मंदिर निर्माण की इस यात्रा में बने रहें सहयात्री। राम मंदिर के निर्माण को होते देखना और उसे महसूस करना जीवन का अप्रतिम अनुभव है। इसीलिए जुड़े रहिए राम मंदिर निर्माण के इस विशेष शो से। आपको ये शो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें।